नमस्कार। क्या होती है हॉर्स ट्रेडिंग? आजकल एक अखबारों में और आपने न्यूज चैनलों में बार बार एक बात आ रही होगी कि विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। आखिर राजनीति में जब जब सरकार पर संकट आता है, जब जब सरकार बहुमत में नहीं होती है, तब तब हॉर्स ट्रेडिंग का नाम आता है। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग है क्या? और इस जब जब राजनीति में संकट आने पर हॉर्स ट्रेडिंग होती है, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग मतलब विधायकों के ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग लागू क्यों होती है? जब विधायकों के बारे में ही हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में क्यों कहा जाता है? आखिर किसी दूसरे चीज के बारे में हॉर्स ट्रेडिंग क्यों नहीं कहा जाता है? आपने अभी हाल ही में देखा है, राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं और इसमें भी विधायकों, जो भी विधायक है, हर पार्टी के विधायकों को बाड़ेबंदी की जा रही है। किसी को होटलों में ठहराया जा रहा है, किसी विधायकों को रिसोर्ट में ठहराया जा रहा है, वहां पे उनके हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। तो आखिर है क्या ये? और राजनीति में संकट आने पर हॉर्स ट्रेडिंग क्यों करते हैं? और बेचारे इसमें घोड़े बीच में कहां से आ गए? इसमें घोड़ों का क्या लेना देना? इसमें इन बेचारे घोड़ों को कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इनको बीच में घसीट लिया और इनको बेचारों को बदनाम कर दिया। ऐसे ही बिना फालतू के हॉर्स ट्रेडिंग, जैसे बेचारा इसमें इनका कोई रोल ही नहीं है, फिर भी इनको कह दिया कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। आज ये बेचारे घोड़े भी सोचते होंगे, यार हमारा इसमें कोई मैटर में लेना देना नहीं है, फिर भी हमको बीच में घसीट रहे हैं, हमारा नाम ले रहे हैं, सोचते होंगे ये, और वाकई में सोचते ही हैं। तो आज अपन जानेंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग होती क्या है, और ये जो चलन है, इस शब्द का चलन कहां से आया है, और राजनीति में सबसे ज्यादा हॉर्स ट्रेडिंग की बात क्यों होती है। देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग अगर आप राजनीति में अगर बात करो, तो इसका मतलब होता है विधायकों की खरीद फरोख्त करना, दूसरी पार्टी के विधायक को कैसे भी लालच देना, पद प्रतिष्ठा और किसी भी रूप में लालच देके अपनी तरफ से उनको अपनी तरफ मिलाना, उसको हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। मतलब अभी राज्यसभा इलेक्शन हो रहे हैं, हर पार्टी के पास में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुमत कम है, तो हर पार्टी चाह रही है कि उस पार्टी के विधायक हमारे अंदर आ जाए। तो कैसे आएंगे? बस उनकी खरीद फरोख्त की जाएगी, और जब उनकी खरीद फरोख्त होती है तो उसे हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। अब एक बात जोड़ना, आप सोचना, जब उनकी खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो उसको हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। हॉर्स ट्रेडिंग अगर आप हिंदी में देखोगे तो घोड़ों का व्यापार, ठीक है? तो अगर आप विधायक की खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो आप ये क्यों नहीं कहते आदमियों का व्यापार, आदमियों का मेला? ऐसे क्यों नहीं कहते? बेचारे घोड़े को बदनाम कर रहे हो, हॉर्स ट्रेडिंग आप कर तो मार रहे हो, आदमियों की खरीद फरोख्त कर रहे हो। किसी चीज को अगर आपको बहुमत लेना तो आप विधायकों को खरीद फरोख्त कर रहे हो, तो आप यूं क्यों नहीं कह रहे हो आदमियों का मेला है, आदमियों की ट्रेडिंग कर रहे हैं हम? नहीं, वहां तो नहीं कहोगे, वहां पे क्या कहोगे? हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, बस बेचारे घोड़ों को बदनाम कर रहे हैं। तो ये होता है हॉर्स ट्रेडिंग। मतलब राजनीति में जब जब संकट आते हैं, तो एक पार्टी अपना बहुमत कम होने के कारण दूसरी पार्टी के विधायकों को अगर खरीद फरोख्त करती है, तो उसे हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। हॉर्स ट्रेडिंग शब्द चलन में कहां से आया, ये देखिए आप। 1820 के समय विदेशों में हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, घोड़ों का व्यापार होता था, अच्छी नस्ल के घोड़े खरीदे जाते थे। तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो वर्ड है, राजनीति में कैसे आए वो मैं आपको बता रहा हूं। 1820 में तक विदेशों में अच्छी अच्छी नस्ल के घोड़े खरीदे जाते थे, वहां पे हॉर्स रेसिंग होती थी, तो उसके लिए हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, घोड़ों का मेला लगता था। तो जो घोड़े के जो व्यापारी थे ना, वो क्या करते थे कि तरह तरह के सामने वाले को लालच देते थे अच्छा घोड़ा खरीदने के लिए, तरह तरह के चालाकियां अपनाते थे अच्छा घोड़ा खरीदने के लिए। तो वहीं से वो चालाकियां, वहीं से वो खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग का नाम राजनीति में आया। ये आप देख लेना, हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब वहां से निकल के आया, कि मतलब आपको, आप किसी घोड़े के मेले में जा रहे हो, वहां आपको आपको अच्छा घोड़ा खरीदना है, तो सामने वाले को ज्यादा पैसे देने, चालाकिया से चालाकी अपना के वहां से अच्छा घोड़ा खरीदना, तो ये मतलब हॉर्स ट्रेडिंग का जो वर्ड है राजनीति में आए।
राजनीति माने का मतलब है कि आपको विधायक आपके कम पड़ रहे हैं तो आपको चालाकी अपनानी, आपसे वहां पे एक विधायक खरीदना, आपको कुछ ऐसा प्रलोभन देकर विधायक को खरीद लेना। तो यही वर्ड हॉर्स ट्रेडिंग राजनीति में आ गया। 2014 में एक अजीब वाक्य हुआ, सुप्रीम कोर्ट में आप पार्टी ने कहा कि सर हमारे विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक मजाकिया अंदाज में कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग क्यों कहते हो आप, आप आदमियों का ट्रेडिंग कह दीजिए, आदमियों का मेला कह दीजिए, बेचारे घोड़ों को क्यों बदनाम कर रहे हो, वहां तो घोड़े है ही नहीं है, आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हो, हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था आप हॉर्स ट्रेडिंग की जगह आदमियों का मेला भी तो कह सकते हो। तो यह बात है, तो इसीलिए हॉर्स ट्रेडिंग का चलन राजनीति में आया।